महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उसको लेकर भी सियासत छिड़ी नजर आ रही है। रामधुन और भजन को लेकर महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया है। फारूक ने कहा कि जब हिंदू अजमेर शरीफ जा सकते हैं तो मुसलमानों के भजन में क्यों एतराज है। महबूबा ने स्कूल के वीडियो का एक छोटा हिस्सा जारी करके आरोप यह लगाया था कि मुस्लिम बच्चों पर भजन थोपे जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मजहब को फॉलो करने का, और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं, और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबोरेटरी बना के ये इसको जो है इसको इसको आजमाना चाहते हैं। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया इज कम्युनल। इंडिया हैज बीन सेक्युलर, इट विल रिमेन सेक्युलर। तो यानी कि भजन वगैरह गाने से कोई हाल में करने, महात्मा गांधी का भजन गाने से कोई ऐसा खतरा नहीं हिंदुत्व का? मुझे ये बताओ, मैं खुद भजन गाता था तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया? या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है? या वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाता है उसे मांगने के लिए तो क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाता है? या हमारे कई लोग जो है माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या वो हिंदू बन जाते हैं? नहीं, वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होंगी।